एक सर्कल का क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब पहली बार मैं पढ़ा था तो बहुत सरप्राइज हुआ कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन जब इसका प्रूफ देखेंगे तो लगेगा हाँ ये तो होना ही चाहिए। ओके, क्वेश्चन क्या है? एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब क्वेश्चन में अगर आपको टर्म्स पता नहीं है तो लगेगा कि ये सर्किल के बारे में कैसे बोल रहे हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? एक सर्किल ले लीजिए, उतना एग्जैक्ट मेरा सर्किल बन नहीं रहा है, फिर भी एक सर्किल है, उसमें लाइन ले लेते हैं पी क्यू, और एक सेंटर है ओ। पी क्यू जो एक लाइन है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, मतलब सेगमेंट क्या हुआ? ये पी क्यू जो पी क्यू के एक तरफ जो पूरा सर्कल का जो एरिया है ये हुआ एक सेगमेंट, और दूसरे तरफ का जो एरिया हो गया ये वाला नीचे वाला, ये दूसरा सेगमेंट हो गया। तो कह रहा है कि एंगल्स इन सेम सेगमेंट, मतलब पी क्यू लाइन से एक ट्रायंगल बनाने का कोशिश कीजिए कहीं पे भी आर, और एक कोई दूसरा बनाइए फिर से पी क्यू एस। तो बोल रहा है कि चाहे किधर भी ट्रायंगल बनाइए सारे का एंगल सेम होगा। ये बड़ा सरप्राइजिंग है, जैसे कि एंगल आर और एंगल एस ये इक्वल होगा, एंगल आर इक्वल टू एंगल एस, ये दोनों इक्वल होगा, ये क्योंकि सेम सेगमेंट में। जैसे पी क्यू से अगर ऑपोजिट साइड बनाते हैं ऐसे पी क्यू जेड, तो जेड और आर इक्वल नहीं होगा, उसमें भी एक रिलेशन है लेकिन वो किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे। इसमें क्या है? आर और एस इक्वल होगा, हमें यही प्रूव करना है, टू प्रूव आर इक्वल टू एस। ओके, ये प्रूव करना है। तो देखिए इसको प्रूव करने के लिए क्या करना होता है। सबसे पहले ये जो सेंटर है ओ, सारा ट्रिक यहीं से होता है, सेंटर ओ से इसको मिला दीजिए। ओके, और इसको भी मिला दीजिए ऐसा, और बस हो गया प्रूफ, इतना ही था। अगर आपको आइडिया लग गया तो समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं फिर से कर देता हूँ, पूरा एक फ्रेश पिक्चर बना लेते हैं, सिर्फ एक ही बारे में प्रूफ करेंगे। ओके, लाइन है पी क्यू, पी क्यू और एक एंगल पहले बनाते हैं। ओके, ये है आर और सेंटर है ओ, और यहां से ज्वाइन करते हैं सबको, ठीक है? देखिए ये तीनों साइड बराबर है, बिकॉज क्यों बराबर है? क्योंकि ये रेडियस है सारे, ठीक है? तो ओ पी इक्वल टू ओ आर इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू रेडियस, आर रेडियस हो गया, ठीक है? ये तीनों इक्वल हो गए। अब इससे बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई, ये क्या हुआ देखिए, एक यहां से एक लाइन खींचते हैं सीधा। ओके, सीधा लाइन खींच दिया। ये लाइन खींचने से क्या हुआ, ये जो एंगल बना इसको दे देते हैं नाम, टी नाम देते हैं, पी ओ टी। एंगल पी ओ टी क्या होगा? इक्वल टू एंगल, ये एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, होता है ना, एंगल ओ पी आर प्लस एंगल पी आर ओ, पी आर ओ ये दोनों के सम के बराबर हो गया। सिमिलरली टी ओ क्यू जो एंगल है, एंगल टी ओ क्यू किसके बराबर होगा? इन इस साइड के दोनों एंगल के बराबर, यानी ओ आर क्यू प्लस एंगल ओ क्यू आर, ये हो गया इसके और इसके बराबर हो गया ये वाला, ठीक है? अब क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जोड़ देंगे, उससे क्या आएगा, पी ओ टी प्लस टी ओ क्यू, पी ओ टी टी ओ क्यू। अगर आपको इक्वेशन जोड़ने नहीं आता है तो एक तरह से समझिए कि इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड के जो दोनों, दो इक्वेशन है यहाँ पे, दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ देते हैं और दोनों का राइट हैंड साइड को जोड़ देते हैं, फिर भी इक्वेशन बराबर ही रहेगा। ओके, तो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया, यहाँ लिख देते हैं एंगल पी ओ टी प्लस एंगल टी ओ क्यू इक्वल टू, सारे राइट हैंड साइड को लिख देंगे, एंगल ओ पी आर प्लस एंगल पी आर ओ प्लस एंगल ओ आर क्यू प्लस एंगल ओ क्यू आर। ओके, ये सारा लिख दिया, इससे क्या हुआ देखिए,
ये जो एंगल है लेफ्ट हैंड साइड में, पी ओ टी प्लस टी ओ क्यू, पी ओ टी प्लस टी ओ क्यू, पी ओ टी प्लस टी ओ क्यू क्या होगा, एंगल पी ओ क्यू, ठीक है ना। ये लेफ्ट दोनों को जोड़ दिए तो क्या हो गया, पी ओ क्यू के बराबर हो गया। लाइन थोड़ा मेरा स्ट्रेट नहीं बना है लेकिन ये इसके बराबर हो गया। ओके ये पूरा इसके बराबर हो गया लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड किसके बराबर हो गया, ओ पी आर ओ आर पी। ओ पी आर और ओ आर पी जो है ये दोनों सेम एंगल है क्योंकि ये एक तरह का आइसोसेलस ट्रायंगल है। ट्रायंगल ओ आर पी जो है, ट्रायंगल ओ आर पी इज आइसोसेलस, है ना, क्योंकि ये रेडियस है दोनों साइड तो बराबर ही होगा। ओके ओ आर पी और पी आर ओ इक्वल है तो इसको क्या लिख सकते हैं, टू टाइम्स एंगल ओ आर पी। मैं ओ आर पी को ही लिया, ओ आर पी को ही सिर्फ ले रहा हूँ क्योंकि मैं वही मेरा इंटरेस्टिंग एंगल है अभी, प्लस एंगल टू टाइम्स एंगल ओ आर क्यू, ओ आर क्यू इसको ले लिए। इन दोनों को क्यों लिए, क्योंकि इधर और ये, अब ये क्या हुआ, इक्वल टू टू टाइम्स एंगल पी आर क्यू हो गया। टू कॉमन ले लिया, फिर क्या अंदर बचा, ओ आर पी प्लस ओ आर क्यू, ओ आर पी और ओ आर क्यू ये दोनों को जोड़ने से क्या आएगा, एंगल आर आ जाएगा, मतलब एंगल पी आर क्यू आ जाएगा। अब क्या हुआ देखिए, एंगल पी ओ क्यू जो है, पी ओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू जो एंगल है उसका ट्वाइस हो गया। अब चाहे कहीं पे भी आप ट्राइंगल बनाए, पी एस ये जैसे यहाँ पे बना एस ले है, या आप ये कुछ भी डब्ल्यू ले लीजिए डब्ल्यू, अभी क्या होगा, सारे एंगल जो है वो ट्वाइस ऑफ, वो हाफ ऑफ एंगल पी ओ क्यू है ना। पी ओ क्यू जो है वो सब सेगमेंट के एंगल का दोगुना होता है सारे केस में। ओके तो क्या होगा, सारे केस में ये पी ओ क्यू का आधा होगा ये सेगमेंट वाला एंगल। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे सेगमेंट के एंगल क्या हुए, इक्वल हो गए, यही है उसका प्रूफ। ट्रिक क्वेश्चन क्या है कि अब आप ये सोचिए कि जो ऑपोजिट साइड का सेगमेंट होगा, जैसे पी जेड क्यू जो होगा, ये सोचने की बात है, पी जेड क्यू और पी ओ क्यू में क्या रिलेशन होगा, ये ट्राई करिए बनाने का। इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आप ये ट्राई कर लेंगे तो आपको पता चलेगा, आगे आप पढ़ सकते हैं, जो भी क्वाड्रिलेटरल होते हैं एक सर्किल में उनको कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये 9th 10th में बहुत इंटरेस्टिंग होता है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इसको प्रूव करेंगे तो समझ लीजिए कि आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पूरा समझ में आ गया। ओके आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।